12 दिनों की हड़ताल के बाद सड़कों पर क्यों लौटे ओला उबर मुंबई के चालक। मुंबई में विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे ओला उबर के कैब चालकों ने शुक्रवार रात स्ट्राइक खत्म कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने ऐप बेस्ड एग्रीगेटर फर्म्स को अल्टीमेटम भी दिया है। बता दें, ओला उबर ड्राइवरों ने 12 दिनों के बाद अपनी हड़ताल को शुक्रवार रात खत्म कर दिया था। यही नहीं, मुंबई के कुछ हिस्सों में रात में ही कैब का संचालन शुरू हो गया था। इसके बाद शनिवार सुबह तकरीबन 70,000 कैब सड़कों पर नजर आने लगी। मुंबई की यूनियन का कहना है कि उन्होंने इन ऐप बेस्ड एग्रीगेटर कंपनियों को 2 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया है कि वह उनकी मांगों को मान ले, वरना 15 नवंबर से हम फिर हड़ताल पर चले जाएंगे। यूनियन लीडर सचिन अहिर ने कहा, हमारी मांग है कि किराए को ईंधन में होने वाली बढ़ोतरी से जोड़ा जाए। बता दें कि ट्रांसपोर्ट मंत्री दिवाकर रावते द्वारा मामले में दखल दी जाने के बाद ही स्टेक होल्डर से इस मुद्दे पर बातचीत करने के आश्वासन के बाद शुक्रवार रात हड़ताल खत्म हुई थी। उन्होंने कहा, मेरा प्रयास है कि दिवाली के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। वहीं ओला उबर के अधिकारियों का कहना है कि कंपनियां ड्राइवरों को पर्याप्त रूप से भुगतान करती हैं और किराए में होने वाली बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर दिया जाएगा। कैब ड्राइवरों द्वारा एसी हैचबैक का किराया 16 रुपये प्रति किलोमीटर, एसी सिडान का 18 रुपये प्रति किलोमीटर, एसी एसयूवी का 22 रुपये प्रति किलोमीटर के साथ ही पहले 4 किलोमीटर 100 से 150 रुपये करने की मांग की जा रही है। अब सवाल ये, यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या हड़ताल को खत्म करना चाहिए था? हड़ताल खत्म करने के बाद मुंबई में यूनियन के पदाधिकारियों ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, ये उस दिन जो मंत्रालय में मीटिंग हुई थी और बहुत सारे लोगों ने कुछ उस पर मुद्दे उठाए थे कि 15 दिन के लिए स्थगित क्यों किया, इसके लिए आज हम लोग जो उन्होंने प्लान बताया था हमें, जो 12, 15, 19 रुपए किलोमीटर देंगे, उसके अलावा इंसेंटिव प्लान भी देंगे, जो आज हमें नहीं मिला, इसके लिए हम लोग ओला ऑफिस आए थे। जितने भी लीडर्स है, स्टेशन वाइज लीडर्स है, सब लोग आए थे। और आज हमारे साथ में जो हमारे सीनियर ऑफिसर अंधेरी के जो है पवार साहब और कुलकर्णी साहब, ये भी थे हमारे साथ में। पर उनके बिहाफ में भी उन्होंने कुछ कमिटमेंट ऐसी की है जो हमें गलत लग रही थी, और उनको हम लोगों ने ये भी बोला कि अभी हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये रॉन्ग कमिटमेंट कर रहे हैं। और इधर आने के बाद वो सब बोले कि नहीं, हम लोगों ने तो बोला ही नहीं था, ये हम लोग ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, तो ये सब चालू है। और मैं सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा कि इसके बाद हम लोग ने 15 दिन का टाइम दिया था, फिर भी हम लोग मंत्रालय में भी जाके ये पूछेंगे कि इन्होंने जो कमिटमेंट की थी, वो कमिटमेंट को ये एक हलवा समझ रहे हैं, और उसके लिए हम लोग को मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि ये इजीली ले रहे हैं। तो जितने भी ड्राइवर लोग हैं उनके लिए ये मैसेज है, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर लोग या बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब मैसेज चल रहा है कि यूनियन बिकी हुई है, ये हुई है। देखो, यूनियन कोई भी बिकी नहीं है, ध्यान में रखना। आज हम लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए काम करेंगे, और आपका जो हक है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद। हमने हमारी तरफ से एप्लीकेशन दी है उनको, एक जो उन्होंने एक्सेप्ट की है, जिसका प्रूफ हमारे पास है। अगर 15 तारीख तक, उससे पहले काम तो शुरू होगा ही, सारे स्टेप दिए जाएंगे, लेकिन 15 तारीख को जो मंत्रालय में इन्होंने प्रॉमिस किया था मीटिंग का, अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आंदोलन वापस शुरू होगा। इसलिए दिवाली अच्छे से मना लो अपनी फैमिली के साथ, 15 तारीख से आंदोलन वापस करके उससे ज्यादा जोरों शोरों में करेंगे, लेकिन हक लेके रहेंगे। मंत्रिमंडल में जो बैठक हुई थी, जो हमने स्ट्राइक को कुछ पीछे लिया, किस कारण लिया, वो आज आपके सामने हमारे जो आरएमएस के जो पदाधिकारी बैठे के डिसीजन है क्या किया जाए। तो हमने इमीडिएटली दोपहर से लेके आज 2 बजे ओला ऑफिस के तरफ में इधर आए, और उनके जो पदाधिकारी यहाँ पे गोम्स, मिस्टर गोम्स जो यहाँ के इंचार्ज है, उनके साथ हम लोग ने बैठा, काफ़ी डिस्कस, वो भी उसी तरह से 7 घंटा बैठा, हमें सारी चीज़ लिख के दी। लिख के देने के बाद जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, जो मंत्रालय के अंदर मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के सामने भाव भी थे, इसके बाद यहाँ पे मुकर गए। तो हमारे साथ ये 420 का गेम कर रहे हैं, अन्याय हो रहा है। तो आप लोग को मालूम पड़ना चाहिए कि यूनियन काम कर रही है कि नहीं। जो लोग इसके विपरीत में लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं कि आप लोग हमारे लिए काम नहीं कर रहे, उनको ये बात मालूम पड़ना चाहिए। आज हम लोग 2 बजे से लेकर अभी 8, 8:30 बज रहा है, अभी इसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं। हमारे जितने भी यूनियन के जो भी पदाधिकारी सब लोग जो है यहाँ पे, सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर पवार साहब, वो भी हमारे वो सहयोग किए, अभी आगे की कार्रवाई हमारे जितने लीडर्स हैं उनके सहयोग से आप आगे इसको ओला के ऑफिस के लिए क्या करना, इसके लिए जैसा भी आपके लिए न्यूज़ आएगा वो आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
ये लेटर है भाई जो उन्होंने भट्टी भाई ने अपने मार्गदर्शन में लिख के दिया और ये एक्सेप्ट भी किया, उसके बाद इसको रिफ्यूज किया। इसके आगे के हम लोग प्रोसेस करने वाले, आप लोग इतना रखें और जो चीज आएगी आपको अपडेट, आपस में गलत कोई भी अफवाह ना करें। हम लोग काम अपनी ओर से कर रहे हैं। शुक्रिया भाई।